प्रदेश स्तरीय 36वीं सब जूनियर बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता जो 23 मई से 28 मई तक मेरठ में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल के साथ प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसमें हिमांशु सिंह और अजीत यादव ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। इस टूर्नामेंट में बालिका वर्ग से रागिनी निषाद, अंजलि चौहान, आंचल चौहान, दीपिका चौहान और आराध्या सोनी ने प्रतिभाग किया और बालक वर्ग से अंकुश चौहान, आकाश चौहान, हिमांशु सिंह, अजीत यादव, सक्षम चौहान, अभिषेक कुमार, आकाश यादव, अमरीश यादव, श्रेयांश प्रजापति, प्रिंस यादव ने प्रतिभाग किया। इस टूर्नामेंट में बालिका वर्ग की कोच ममता भारती तथा बालक वर्ग के कोच संतोष कुमार रहे। इस अवसर पर गोरखपुर तैराकी संघ के सेक्रेटरी अंजनी मिश्रा ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें गोरखपुर मंडल के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ दीं। जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि गोरखपुर मंडल के बच्चों ने बहुत ही सुंदर उपलब्धि हासिल किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 9 रजत, 4 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें चैंपियन टीम गोरखपुर के नाम दर्ज हुई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे प्रदेश में गोरखपुर मंडल सर्वप्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तैराक खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ दीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए गोरखपुर तैराकी संघ के सेक्रेटरी अंजनी मिश्रा तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हूँ और यहाँ जो बच्चे कंपटीशन के लिए गए थे, स्विमिंग कंपटीशन हुआ था मेरठ में, तो वहाँ से बच्चे जीत के आए, तो उनसे हम बात करते हैं। उन्हें इस समय कैसा लग रहा है वहाँ से जीत के आने पे गोरखपुर? तो आप लोग इस समय मेरठ से यहाँ गोरखपुर वापस आए, आज आप लोग वापस आए हैं? हाँ, आज ही वापस आए हैं मेरठ से। कितना दिन का आप लोग का प्रोग्राम था वहाँ पे? वहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इस समय जीत के वहाँ से आए हैं? आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत खुशी हो रही है, वहाँ से चैंपियनशिप उठा कर गोरखपुर मंडल को लेकर आए, मेरठ से लेकर आए। तो इसके लिए आप किसको किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? हम अपने कोच को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हम लोग को यहाँ से ले गए थे। और अच्छा सर, आप बताइए बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, आपको क्या लगता है बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया? परफॉर्मेंस की बात करें तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और मैम, ये हमारा जो अजीत है, अजीत ने इंडिविजुअल चैंपियन सिंगल हुआ है मैम। अच्छा, हाँ, इंडिविजुअल इन्होंने जीत, मतलब एक तरह से बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। आप बताइए, आप कितना मेडल दिए? कितना मेडल आया? हमारा 6 मेडल आया, जिसमें से 5 गोल्ड और 1 सिल्वर था। बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको। कितने दिन रहे आप लोग वहाँ पे, कैसे चला, आप लोग कुछ बताए इस बारे में? 3 दिन चला आप लोग का प्रोग्राम, तो आप लोग 3 दिन थे? हाँ। कैसे आप लोग, फर्स्ट डे कैसा गया था? बहुत अच्छा गया। तो ये बच्चे थे जो अवार्ड जीत के गोरखपुर लाए हैं मेरठ से, इन लोगों को और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मेरा नाम अंजनी कुमार मिश्रा है, मैं स्विमिंग सेक्रेटरी हूँ गोरखपुर का। सबसे पहले सब जितने भी प्लेयर हैं सबको बधाई दूंगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया वहाँ मेरठ में, जो पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे वहाँ पहुँचे थे, जिसमें कि गोरखपुर मंडल के बच्चे पूरा चैंपियनशिप लेके आए और बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, जिसमें कि बच्चों को बहुत बहुत बधाई है, जिसमें कि बच्चों ने 13 गोल्ड लिया सारे बच्चों ने मिल करके, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल लिया, जिससे कि गोरखपुर मंडल को चैंपियनशिप हासिल हुआ है। क्या कहेंगे बाकी गाँव के लिए? बाकी मैं कहना चाहूँगा, बच्चे अभी नेशनल के सेलेक्ट होंगे और मैं चाहूँगा बच्चों से कहना चाहूँगा कि आगे के कंपटीशन के लिए और अच्छा प्रिपरेशन करें, कि नेशनल में मेडल लेके आए और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। बच्चों ने अपना नाम रोशन किया,
बहुत ही स्वर्णिम उपलब्धि हासिल की है गोरखपुर मंडल के बच्चों ने, स्विमर्स ने, और इसमें अभी जो टीम यहाँ से गोरखपुर मंडल की गई थी उसने 13 स्वर्ण और 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार से टीम चैम्पियनशिप गोरखपुर के नाम दर्ज हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे प्रदेश में सबसे गोरखपुर मंडल जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है। हमने ढेर सारी शुभकामनाएं सारे खिलाड़ियों की दी हैं और हमें आशा है आने वाले समय में कि यहाँ से बहुत अच्छे तैराक निकलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। छोटे खिलाड़ियों के माध्यम से और बाकी खिलाड़ियों क्या संदेश चाहेंगे खेल के माध्यम से? खिलाड़ी स्विमिंग के क्षेत्र में लगातार अपनी प्रगति कर रहे हैं और वे अभ्यास करते हैं। यहाँ स्विमिंग पूल हैं और बहुत ही सारे खिलाड़ियों को जो है बहुत गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं और ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है अभ्यास का। तो यहाँ स्विमिंग पूल रेगुलरली चलते हैं, उसके लिए कोचेज़ हैं, लाइव गार्ड हैं, तो सुविधाएं सब हैं। इसी यही कारण है कि बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने देखा कि 18 मंडलों में गोरखपुर मंडल जो है वो मेरठ से जीत कर वापस आया, तो मैं इन सारे बच्चों को बधाई देती हूँ। पंकज के साथ मैं पूजा वर्मा, गोरखपुर न्यूज़।